अब इस मरहले के छठे सीरीज में हम ये जानेंगे कि सहरी खाने में बरकत है, इसलिए हमें सहरी खाना चाहिए और इनके दलाई। सब्सक्राइब कीजिए आईएससी टीवी चैनल को इस्लामिक यूनिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पहली दलील है कि हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाया करो क्योंकि सहरी खाने में बरकत है। बुखारी शरीफ के अंदर यह हदीस आई हुई है, हदीस नंबर है 1923। दूसरी दलील हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरियों में बरकत है, लिहाजा इसे मत छोड़ो अगरचे तुम में से कोई एक पानी का एक घूंट ही पी ले। यानी कोई शख्स अगर एक घूंट पानी ही पी ले सहरी में तो भी ये करना चाहिए क्योंकि सहरी के अंदर बरकत रखी गई है। ये मुस्नद अहमद के अंदर यह हदीस आई हुई है, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 12 से लेकर 44 तक। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह इस सिलसिले में फरमाते हैं कि बरकत से मुराद अजर व सवाब है। यानी सहरी के अंदर जो बरकत रखी गई है इससे मुराद है कि अजर व सवाब। तीसरी दलील इस सिलसिले में है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तसहरु वलौ बिजुरअतिन मिम्मा, सहरी खाया करो खा पानी के एक घूंट के साथ ही। सही है और यह हदीस सही तरगीब के अंदर आई हुई है, हदीस नंबर है 1000। इससे मालूम हुआ कि हमें सहरी खाना चाहिए और सहरी खाने में नेकी और बरकत है। सब्सक्राइब कीजिए इस्लामिक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।